हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को, यदि चैनल में नया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। वैकेंसी आया है एसएससी का, जो कि 20,000 पोस्ट है अप्रूवल। अब उसमें कितने, मतलब अभी तक ये जानकारी नहीं हुआ है, 20,000 में 10,000 होगा या उससे अधिक होगा या कम होगा, आगे जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताऊँगा। तो अब फॉर्म अप्लाई होना ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और गजिस्टर्ड ऑफिसर के लिए पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि MHRD का है और पूरा पोस्ट है। SSC इसको कंडक्ट करा रहा है। इसमें फेज 1 और फेज 2 एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। तो 17/9/2022 से 8/10/2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आगे, और इसके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए देखिए। और इसका क्वालिफिकेशन है डिग्री डिप्लोमा, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना अनिवार्य है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ग्रुप बी क्लास का जॉब है, जो कि 30 ईयर आपका एज लिमिट दिया है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इसके लिए भी ग्रुप बी है, इसका पे लेवल है 47,000, 651,000, सॉरी 1,51,100 रुपये है। उसी प्रकार पे लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है ग्रुप बी का, जो कि 20 से 30 ईयर बीच होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ST के लिए 5 साल छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के पोस्ट है और इंटेलिजेंट ब्यूरो का है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी का है जॉब। सबके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से आपको डिग्री स्नातक या स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। पे लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये तक है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि पूरा अकाउंटेंट से संबंधित है, जितना पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क में आपका ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें हायर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंड होगा, जो कि 18-27 ईयर्स मांगा है। तो अगले मंथ तक लास्ट डेट है, अपनाई ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है, आप फॉर्म अप्लाई। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक के लिए है, जो कि इसमें एज पर रूल के हिसाब से आपका ST SC का 5 साल का छूट है, OBC का 3 साल का छूट है, 3 साल का छूट है। और ये जो PVD जो हैंडीकैप हैं उसके लिए 10 साल का है, और OBC के लिए 13 साल का है, और ST के लिए 15 साल का छूट है। जो फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। इस परमिशन रिलेक्शन ग्रुप सी के लिए आपका ST का छूट दिया है 3 साल के लिए। उसी प्रकार वुमेन का भी 35 साल एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ST SC मतलब महिलाओं के लिए 40 साल तक का है। और आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपका बैचलर और डिग्री 4th रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, इसमें MBA करना अनिवार्य है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री सब्जेक्ट रिलेटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 60% के साथ मैथमेटिक्स 12वीं स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, 12वीं मैथ सब्जेक्ट। और आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप 60% से ऊपर यदि आपका परसेंटेज है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अदर पोस्ट के लिए है बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इम्प्लेंट, मतलब यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री और पोस्ट के लिए है, जो कैंडिडेट ऑफ द अप्रूव्ड
अदर कैंडिडेट अदर पोस्ट के लिए आपको डिग्री होना अनिवार्य है बस। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो पहले यदि आप अप्लाई किए हैं SSC का फॉर्म अप्लाई किए हैं पहले, तो आप www.ssc.nic.in पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है, तो आप रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करिए और फॉर्म फिलअप करिए। एप्लीकेशन की फ़ीस, एप्लीकेशन आपका 100 रुपीज़ है अनरिजर्व के लिए, और ST SC और महिलाओं के लिए फ्री है, फीस नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 नंबर का, जो कि 50 मार्क का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल ऑपरेशंस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, और एप्टीट्यूड का रहेगा 25 50 मार्क का, और इंग्लिश 25 50 मार्क का, 1 घंटे में सॉल्व करना है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप पेन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।